आशा के जिससे जीवन में उजियारा है, शिक्षा हमसे छूट गई तो, शिक्षा हमसे छूट गई तो जीवन का अंधियारा है। चौराहा 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 चौराहा। बहनों, हमारे आज के अक्षर हैं ना, मा और का। मौसी, जल्दी से 2 रुपए की चने की दाल दे दे। अजी देती हूँ देती हूँ देती हूँ, जब देखो हवा के घोड़े पर सवार होके आ गया। मौसी काम जो इतना हो गए। हाँ जानू, बड़ी कमेरी है तू। ये तो ठाट है मौसी, सुबह से उठकर महारानी बनकर दुकान पे बैठ जावे, और मैं सुबह से उठकर झाड़ू बर्तन और फिर गाय को निहार देना, स्कूल जाना। एक तो इसमें स्कूल ने नाक में दम कर रखा है, छोटा और बड़ा जिसे देखो स्कूल स्कूल, पढ़ पढ़ के ऐसे सारा गांव कलेक्टर बन जाएगा। तू देखती जा मौसी, हमारा गांव कैसा मशहूर होता जा रहा है, और फिर मैं। अरे रहने दे सुधा, बखत मत खराब करे, अरे घर जाके बैठ। हाँ ले मौसी, अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर तेरे बेटे की चिट्ठी कौन पढ़ेगा। अरे क्या चाहिए तुझे। अरे मेरी अम्मा मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ये चाहिए तुझे, ये चाहिए तुझे, ये चाहिए, ये चाहिए। अरे तो क्या चाहिए तुझे। अरे अरे गांव में क्या एक उस्तानी कम थी जो दूसरी मेरी जान को आ गई है। ये चाहिए तुझे, ये चाहिए, ये सलाम मौसी। अरे भैया जरा देखो तो, ये आफत की पुड़िया ने क्या लिखा है। लाओ देखें। भाई वाह, क्या लिखा है। नमक, इसे नमक चाहिए। नमक चाहिए। अरे 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 उफ, तू नहीं बदलेगी। ये क्या मौसी, फिर वही नमक। मैंने कहा था थैली का नमक बेचा करो, उसके बहुत से फायदे हैं। अरे भैया लाई तो थी थैली वाला नमक। हाँ ये रहा। अरे जाने क्या अलाय बलाय मिला देते हैं इसमें। आयोडीन मौसी, आयोडीन की कमी से बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा फिर तो मैं यही क्या कह रहे थे, हाँ आयोडीन वाला नमक बेचूंगी, और आपकी थैली क्या बोरी भर के लाऊंगी। ले भैया ले। ना, मा, क, नमक, नमक। आयोडीन वाले नमक के प्रयोग से गर्भावस्था में शिशु के मानसिक विकास में मदद मिलती है, और आयोडीन वाला नमक घींगा रोग से भी बचाता है। ये नल है ना, जो दूसरे गांव की तरह तुम्हारे गांव में भी है, जिससे हम रोज साफ पानी लेते हैं। अब अगर इस नल को हम गौर से देखें तो इसकी शक्ल बिल्कुल अक्षर ना से मिलती जुलती दिखाई देगी। देखा, लो एक बार फिर देखिए, नल, न। अब अगर नल की टोटी ऊपर की तरफ हो जाए, यानी कि उलट जाए, और पानी किसी तरह ऊपर जाने लगे, तो उसकी शक्ल अक्षर म से मिल जाती है।
एक बार फिर देखें, उल्टा नल, पानी ऊपर, माँ। अरे भाई, इसका एक कान उखाड़ कर यहाँ नीचे रखो, फिर इसकी नाक उखाड़ो, फिर दूसरा कान उखाड़ो, फिर उसके ऊपर रखो भौंई। यूं बन जाता है क। एक बार फिर देखो, कान, दूसरा कान, क, नमक। छिप कर रही है, सामने को आ तो बताऊं तुझे मैं। हाँ नहीं तो। अरे क्या हुआ, क्या बात है बाजी, बड़ी गुस्से में हो? देख बहन जी, मैं तेरा बड़ा आदर करूँ। ये तो तुम्हारा आशीर्वाद है मौसी, लेकिन ये तो बताओ बात क्या है? अरे बहन जी, तू तो इतनी अच्छी है, पर ये जो गूंगी रख छोड़ी है ना, इसे मेरी दुकान पे मत भेजना। ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे छिपिया से तो कुछ बोले ना है, बस इस काली सी तख्ती पे लिख लिख के चढ़ावे है मुझे। मौसी, ये तुम्हें चढ़ाती नहीं है, बल्कि ये तो ये कहती है कि तुम भी पढ़ लो। ले, आधा सिर चिट्टा हो गया मेरा, अब मेरी उम्र है पढ़ने लिखने की। दुनिया में हर काम के लिए उम्र की कैद होती है, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए नहीं। आदमी किसी भी उम्र में पढ़ और सीख सकता है, और फिर तुम्हें तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखो मौसी, दुकान का हिसाब। एलियो, मैं तो कहने आई थी कि इस गौरी का पढ़ना लिखना छोड़ा दो, और तुम मुझे ही पढ़ाने बैठ गई। मेरा तो सपना ही यही है मौसी, कि इस गाँव का हर आदमी पढ़ ले। अरे बहन जी, मेरे पास बखत ना ये फालतू के चोंचलों का, मैं ठहरी कामकाजी औरत, मैं ना पढ़ने की। हाँ तो सुन लो मौसी, जब तक तुम पढ़ने नहीं आओगी ना, ये गौरी तुम्हारी दुकान पर आती रहे। क्या? नमस्ते, मैं हूँ पेंसिल। चलिए आज हम लोग लिखना सीखेंगे। घबराते क्यों हो, लिखना तो पढ़ने से भी ज्यादा आसान है, बस जो मैं करूँ वैसा दोहराते रहो। तो आज हम सीखते हैं अक्षर ना। चलो, पहले एक बिंदी सी, फिर एक लेटी लकीर, और फिर एक खड़ा डंडा, और इसके ऊपर एक छत जैसी लकीर, ना अक्षर बन गया। एक बार फिर से दोहराए, बिंदी, लकीर, खड़ा डंडा और छत जैसी लकीर, ना। देखा कितना आसान है ना बनाना। चलिए अब बनाते हैं माँ। एक खड़ा डंडा और बाकी सब ना जैसा, और ऊपर वैसी ही छत जैसी लकीर, माँ। कितना आसान है ना बनाना। फिर से बनाए, खड़ा डंडा, ना जैसा बाकी सब, और ऊपर खड़ी छत, बस माँ बन गया। अब बनाते हैं अक्षर का। का तो बहुत ही आसान है। देखो, पहले एक बनाया गोला सा, फिर एक खड़ा डंडा, और फिर एक गोला, लेकिन 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 रुको रुको रुको, छोटा सा आधा सा गोला, पूरा नहीं, और ऊपर छत जैसी लकीर, का बन गया। फिर से बनाते हैं, एक गोला, डंडा और एक अधूरा गोला, ऊपर छत जैसी लकीर। मैंने कहा था ना कि लिखना पढ़ने से भी ज्यादा आसान है। लेकिन एक वादा करो कि अब तुम अपने आप भी इन अक्षरों को लिखने की कोशिश करोगी। का मा कम, ना मा नम, मा ना मन, ना मा क नमक। बहन जी, आई कमला। लो बहन जी। कमला तुम भी आ जाओ, इसे भी बुला लो, आ जाओ। अरे ना बहन जी, हम तो बाद में खा लेंगे, आपको तो स्कूल जाना है। अच्छा,
क्या हुआ बहन जी? कुछ नहीं, वो पिसा हुआ नमक है। हाँ है। क्यों रे, ये क्या है? क्या हुआ अम्मा? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? अरे माँ बाप कुछ दे नहीं सकते थे तो कम से कम रोटी बनाना तो सिखा दिया होता। मेरे तो चांद से बेटे के नसीब ही फूट गए, ऐसी निकम्मी हमारे मत्थे मर दी। अब अपने पति को अपना झूठा खिलाएगी? अरे रहने दे अम्मा, छोटी छोटी बातें, सच्चा झूठा कुछ नहीं हुआ है। तू ही खा के देख, नमक जहर कर दिया है। ठीक तो है अम्मा। तेरी तो मत्ती मारी गई है पागल कहीं का। क्या हुआ कमला, बुरी बात? अरे पली, खाने में थोड़ा सा नमक ही तो कम है। कम कहाँ बहन जी, मैं तो आज डालना ही भूल गई थी। आदमी जहाँ जागे वहीं सवेरा। ला अब डाल लेते हैं। ना मा क नमक। उफ, कितना शोर है इतने सारे बच्चों का। बच्चे कम हो तो शोर भी कम होगा ना। क म कम, कम बच्चे कम परेशानी। क म कम। ये नल तो याद रहेगा ना, अक्षर ना बिल्कुल इसी की तरह होता है और ना लिखती है ऐसी। ना उल्टा नल, पानी ऊपर, ये है माँ और माँ लिखती है ऐसे। बस एक खड़े डंडे का फर्क है, वरना बिल्कुल ना जैसा है। कान दूसरा कान। क क लिखती है ऐसी। अब तो याद रहेगा ना, देखा पढ़ना लिखना कितना आसान है। बहनों हमें आज सीखना है आ का डंडा। इसको तो हम सब पहचानते ही है ना, कौओं से चिड़ियों से फसलों को बचाने का आसान तरीका है ये, जो देखने में बिल्कुल आ के डंडे जैसा दिखता है ना। एक बार फिर देखो, आ का डंडा बिल्कुल ऐसा ही होता है जो पढ़ने लिखने में शब्द बनाने का काम करता है। जैसे कि ये खेतों में फसल बचाने का काम करता है। ये आ का डंडा यदि किसी अक्षर के आगे जोड़ दी तो वो उस अक्षर की आवाज को बढ़ा देता है। जैसे न आ का डंडा ना, म आ का डंडा मा, क आ का डंडा का। फिर देखिए, ना मा का, क आ का डंडा म काम। छोटू, अरे ओ छोटू। क्या हो गया है आजकल के इन बच्चों को, दिन चढ़े तक सोते ही रहते हैं। एक हम हैं, पूरे 60 साल की उम्र हो गई, सूरज देवता ने हमें कभी सोते हुए नहीं देखा। अरे ओ छोटू, अब उठ भी जा भाई, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। Hmm.
क्या है लाला जी, सारा काम करके तो सोया था। जो काम करके सोया था वो काम कल का था, आज का काम तो अभी आरंभ करना है। क्या करूं? कितनी बार कहा है मेरे चांद, मेरे चौके में तू स्नान करके ही आया कर। तो पहला काम क्या हुआ? स्नान लाला जी। कहाँ रह गया? अब आ भी जा भाई, क्या सारा दिन नहाता ही रहेगा? अपने दम में दम, काम हमारा हो ना कम। अपने दम में दम, काम हमारा हो ना कम, काम हमारा हो ना कम। पर लाला जी, मेरे लिए तो समय है ज्यादा और काम है कम। अरे काम तो अब शुरू हुआ है, सुबह और शाम ढाबे में काम, और दिन में तू जाएगा स्कूल। स्कूल? मैं स्कूल जाकर क्या करूंगा? अरे पगले, पढ़ लिख ले, काम आएगा, फिर एक दिन तू भी कहेगा काम है ज्यादा समय है कम, समझा? लो मैं आ गई। मेरी ही इंतजार कर रही थी ना तुम। आज हम सीखते हैं आका डंडा बनाना। देखो, एक खड़ा डंडा और ऊपर छत जैसी लकीर। लेकिन हम एक बार फिर से बनाएंगे ताकि हम सबको अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है? खड़ा डंडा और ये ऊपर छत जैसी लकीर, आसान है ना? मैंने तो पहले ही कहा था। ओहो, ये हालत इसकी दाढ़ निकलने की वजह से नहीं है। कब से लगे हैं इसको उल्टी और दस्त? आज सुबह से शुरू हो गए थे। मैं तो समझी कि ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। देख, उल्टी और दस्त लगने से ना बच्चे के शरीर का जो पानी होता है वो बहुत सारा निकल जाता है, तो ये पानी जो है ना बच्चे के शरीर में वापस पहुँचाना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, चल मैं तुझे बताती हूँ। बताओ जी। एक गिलास साफ पानी में
एक चुटकी ये, एक चुटकी नमक और एक चम्मच चीनी मिला के इसका घोल बना दो। ये जो घोल है ना, इसे थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाती रहना। अच्छा जी। याद रहेगा? अजी इतनी सी बात भी याद ना रहेगी। एक चम्मच चीनी, एक चुटकी नमक, एक ग्लास पानी में, साफ पानी में, चाहे वो नल का हो या फिर ढके हुए कुएं का, और साथ में अपना दूध, दाल या चावल का पानी तो जरूर देती रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को। समझ गई ना? क आ म काम, न आ म नाम, न आ क नाक, क आ न कान, नाक, नाम, काम। देखा आ का डंडा कितने काम की चीज है। क आ न कान, इसमें जोड़ दिया मा तो बन गया म कान मकान। म निकाल दिया, फिर रह गया कान। आ के डंडे से और क्या बन सकता है? का का काका, मा मा मामा, ना ना नाना। एक बार फिर देखें, नाना, मामा, काका। देखा कितने काम की चीज है आ का डंडा। सलाम मौसी। अरे क्या बात है मौसी, बड़ी उदास बैठी हो, क्या आज बिखरी नहीं हुई? मेरे घर में किस चीज की कमी है जो उदास होंगी मैं? मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझा, प्रेम की चिट्ठी नहीं आई ना कई दिनों से। आज लेके आए हो चिट्ठी? ना, चिट्ठी तो आज भी नहीं आई मौसी। अरे अरे अरे, ये उदास क्यों हो गई? ले मौसी, आ गई चिट्ठी। चला गया रहीम, अब चिट्ठी किससे पढ़वाऊंगी? क आ का डंडा, म काम, न आ का डंडा, म नाम, क आ का डंडा, न कान, न आ का डंडा, क नाक, क आ का डंडा, क आ का डंडा, काका, म आ का डंडा, म आ का डंडा, मामा, न आ का डंडा, न आ का डंडा, नाना। कितने ही शब्दों को बनाने वाले इस आ के डंडे को कैसे लिखते हैं नहीं मालूम ना? मैं बताती हूँ, देखो, एक खड़ा डंडा और उसके ऊपर ये छत वाली लकीर। समझ गई ना? घबराना बिल्कुल भी नहीं, लिखना तो पढ़ने से भी ज्यादा आसान है। मैंने तो पहले ही कहा था, बस जो मैं सिखाऊं उसको सीखती जाओ, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है ना? चुराहा, चुराहा, जीवन सा चुराहा, 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 जीवन
शिक्षा दे चला के अपनी मंजिल पाना है। चौराहा 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 चौराहा।